हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री रहे विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल असफलताओं से भरा रहा है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वे असफलता का भी जश्न मनाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार अपने फेलियर का जश्न मनाने का काम कर रही है। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की गई थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी भी यह बात कह रही थी और अब कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जाकर भी औंधे मुंह गिरने वाली है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि मुख्य संसदीय सचिवों की कुर्सी बचाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में एक भी अच्छा काम नहीं हुआ और राज्य सरकार ने जो फैसला लिया उसका परिणाम उल्टा ही आया है। बात चाहे टॉयलेट टैक्स की हो या फिर HRTC में किराए की, हर जगह राज्य सरकार की फर्जियत ही हुई है। उन्होंने कहा कि समोसे पर जांच करके भी मुख्यमंत्री ने हर जगह अपनी फजीयत कराने का काम किया है। अब मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद मंत्री बनने की लड़ाई तेज हो गई है। यहां एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पे पिछले 2 वर्षों से जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको ये लगेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब आप इस डिसीजन की बात कर रहे हैं, लंबे समय से आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, जितने भी डिसीजन हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है उसका जो रिएक्शन हो रहा है, जो उसके परिणाम आ रहे हैं वो बिल्कुल उल्ट आ रहे हैं। अभी गारंटियों को लेकर हरियाणा में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गए, वहां पे हरियाणा में इनकी हार हुई। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने वहां झूठ बोला है कि मैं 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी कन्या, कोई भी महिला और एक परिवार में अगर 5 है तो मैं 18 साल से ऊपर वाले को 1500 रुपया दे रहा हूँ, सरासर झूठ बोला है। इसी तरीके से जो आपने विषय लिया है, इस विषय पे भी मैं ये कहूंगा कि टॉयलेट वाला विषय ले लीजिए, अभी नलकों के मीटरों का पैसे वाला विषय ले लीजिए। आप HRTC के अंदर कोई व्यक्ति सामान लेके जा रहा है उसकी टिकट का विषय ले लीजिए। पिछले लंबे समय से कोई भी निर्णय ठीक नहीं हुआ। यह निर्णय जो आप बोल रहे हैं, इस निर्णय के कारण से भी हिमाचल प्रदेश की फजीहत हो रही है। नहीं, देश भर में अगर आप समोसा ना मिलने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, CID बिठाएंगे तो हर कोई आपका मजाक करेगा ही। और ये केवल और केवल हिमाचल की बात नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ये बात आई है कि किस प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको समोसा ना मिलने के ऊपर इतना बड़ा जो है उसने जो इन्वेस्टिगेशन जो करवाई है। इसलिए वो अपनी फजीयत खुद करवा रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला कि ये टॉयलेट के ऊपर जो आपका ये आया था कि ये उसके ऊपर टॉयलेट टैक्स लगेगा, आपको नोटिफिकेशन आप लोगों के हाथ में है, नोटिफिकेशन हुई उसके बाद उसको डीनोटिफाई किया गया। यानी बहुत से ऐसे काम हैं जिसके ऊपर सरकार का यू टर्न है और इस प्रकार के निर्णयों के कारण ही लोग हर रोज सुबह उठ के ये सोचते हैं कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, इसीलिए इसके ऊपर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी कि अपनी सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि सरासर गलत थे। लेकिन जो माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहां तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक अनार 100 बीमार वाला विषय आएगा, हर कोई मंत्री बनना चाहता है। अब किस प्रकार से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको टैकल करते हैं अब ये तो वही जानते हैं। कोर्ट में जाने का अधिकार है उनका, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हिसाब दें कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बचाने के लिए पिछले 2 वर्षों में कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा वहां पे लगा है। और उसके अलावा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के ऊपर जो उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा भी इनको आम जनता के बीच में देना चाहिए। और जो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, उल्टे मुंह गिरेगी सरकार दोबारा से और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको हार मिलेगी।